अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक स्प्रे परफ्यूम। बहुत दिनों से मैंने अतस के रिव्यू किए तो आज एक फुसफुस वाली फ्रेगरेंस पे बात करेंगे। यह है स्प्रे परफ्यूम अल्कोहलिक फ्रेगरेंस, यह है रौदा बाय अहमद। अब अहमद अल मगरिबी को सभी लोग जानते हैं दोस्तों, जितने भी हमारे फ्रेगरेंस लवर्स है, फ्रेगरेंस कम्युनिटी में है, उनके पास कोई ना कोई अहमद अल मगरिबी का प्रोडक्ट होगा, या वो बिनशेक हो गया, या मर्ज हो गया, ऊद एंड रोजेस हो गया, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। इनकी खासियत यह है कि ये क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इनके हर शॉप पे आप जाओगे तो उनके सेल्समैन आपको यही बोलेंगे, प्राइस पॉइंट के हिसाब से क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग है, कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, प्रेजेंटेशन भी ऐसी है कि आप कहोगे कि हाँ इन्होंने खर्चा किया है। ये बॉक्स से लेके, बॉटलिंग से लेके, सब चीज़ों पे इन्होंने ए टू जेड हर चीज़ अच्छी की है। तो रौदा के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। आगे शुरू करने से पहले बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ ये चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक दे दीजिए ताकि यूट्यूब थोड़ा से आगे प्रमोट करिए। चलिए सबसे पहले मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट बता दूँ। रौदा जो है मदीने में, जब हम रौदा शरीफ में जाते हैं, रियाजुल जन्ना में जाते हैं, वहाँ पर जो कारपेट्स होते हैं तो वहाँ पर एक खुशबू आती है, एक महक आती है, एक वाइब्स होती है। वो वाइब्स को इन्होंने ये बॉटल में उतारने की कोशिश की है कि वो खुशबू आपको आपके जाने के बाद, यानी कि जब आप घर पर वापस जाओ तो आपको ऐसी खुशबू आपके घर में भी मिले। तो वो इन्होंने ये रौदा फ्रेगरेंस बनाया। इसका ऑयल कॉन्सेंट्रेशन भी आता है, वो अलग बॉटल में आता है, मैंने इसका रिव्यू भी किया है तो वो भी आप देख सकते हो। ये स्प्रे परफ्यूम में है, बहुत से लोगों को स्प्रे परफ्यूम चाहिए रहता है तो इन्होंने अभी ये स्प्रे परफ्यूम में लॉन्च किया। प्रेजेंटेशन आप देख लो, ये ऐसे इतने बड़े बॉक्स में आता है, 50 ml साइज़ में ये बॉटल है, EDP कॉन्सेंट्रेशन है, 77.52% इसका अल्कोहल वॉल्यूम है, तो अच्छा खासा ऑयल कॉन्सेंट्रेशन है इसमें भी, जिससे आप लगाओगे आपको लास्टिंग अच्छी मिलेगी। अब चलिए इसे ओपन करते हैं। ये बॉक्स ऐसा ओपन होता है और प्रेजेंटेशन में इन्होंने बहुत खर्चा किया है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम बनाया। रियाल में अगर मैं कहूँ तो ये वहाँ पे कुछ 230 रियाल्स का है, डिस्काउंट करके 200 रियाल्स तक मिलता है आपको। सऊदी में, दुबई में भी आपको ये मिलेगा और इंडिया में इसकी कीमत कुछ 4000 से 4500 के रेंज की है। तो ये है इसका बॉक्स, अंदर का जो बॉक्स है ये काफ़ी प्रीमियम, ये वेलवेटी है, यहाँ पे साइड पे डिज़ाइंस है, ये कुशन है, यहाँ पे रौदा लिखा है, यहाँ पे अहमद लिखा है और ये ऐसा ओपन होता है। अब बॉक्स भी ऐसा ओपन होता है कि आप बोलोगे कि यार क्या प्रेजेंटेशन है, यहीं पर इनके मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। अंदर ये बॉटल मिलती है ग्रीन कलर की और ये इसका गोल्डन कैप है, ये प्लास्टिक का कैप है। और इसका स्प्रेयर चेक करते हैं और ये हमेशा कहते हैं कि इनका जो स्प्रेयर है वो भी बिल्कुल अलग है, यानी कि आप ऐसा करोगे तो ये पूरा स्प्रे करता है। अब इसकी जो नोट्स है, यानी कि जो खुशबू है, उसके बारे में बात करते हैं, यानी कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। अभी इनके जो नोट्स हैं इसमें इन्होंने रोज़ का एक मेंशन किया है, इसमें विटिवर मेंशन किया है, इसमें हर्ब्स मेंशन की है, सैंडलवुड है, ऊद है हल्का, इसमें अलग अलग एम्बर है, इसमें फ्लोरल्स हैं। तो ये सभी का कॉम्बिनेशन है दोस्तों इस फ्रेगरेंस में। इन शॉर्ट मैं कहूँ तो ये जो फ्रेगरेंस है, हमारे जो विटिवर लवर जिनको खस पसंद है, इसको थोड़ा स्पाइसी, एम्बरी, मस्की फ्रेगरेंस पसंद है तो उनको पसंद आएगी। लास्टिंग जो है इनकी बहुत अच्छी रहती है, 8 से 10 घंटा ये कपड़ों पे लास्ट करता है। प्रोजेक्शन इनका 1 से 2 फीट तक रहता है, बीच में रहता है 2 घंटे तक, क्योंकि ये जो फ्रेगरेंस है ये थोड़ी सी लाइट फ्रेगरेंस है, सैंडलवुड वाली है, विटिवर की जो एक रूटी महक आती है वो है, थोड़ी एम्बरी है, हल्की ऊद की महक है, रोज़ की महक है, कॉम्बिनेशन में आपको फ्रेश, आपको रोज़ वाली थोड़ी सी आपको ग्रासी रूटी फ्रेगरेंस लगती है, वही सेम फीलिंग आएगी जैसे कि आप वहाँ पे रौदा शरीफ में जा रहे हो या रियाजुल जन्ना में जब एंटर करते हो तो एक महक होती है, जो फैंस होते हैं उसमें जो फ्रेगरेंसेस आती है तो वो आपको इसमें वाइब्स मिलती है। लास्टिंग भी अच्छी है, प्रोजेक्शन भी अच्छा है, यूनिसेक्स है, यानी मेंस वुमेंस दोनों लगा सकते हैं। बॉटल पे भी अच्छा खर्चा किया है, प्रेजेंटेशन पे भी अच्छा खर्चा किया है और ऐसी यूनिक लगती है कि आपने ऐसी फ्रेगरेंस शायद नहीं ट्राई की होगी, एक आपको अलग ही वाइब्स देगी। जब भी आप ये फ्रेगरेंस लगाओगे आपको ऐसा लगेगा आप ग्रीनरी में आ गए हो, आप आग बंद करोगे आपको ग्रीन कलर्स दिखेंगे। ये ऐसी फ्रेगरेंस आपको वही याद दिलाएंगे कि आप मस्जिद नबी में हो, आप वो कारपेट पर बैठे हो, आपको वहाँ की सहन की याद आ जाएगी, वहाँ के माहौल की याद आ जाएगी। तो वही एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों और अच्छी लगती है। जिन लोगों को विटिवर पसंद है, जिन लोगों को क्लीन फ्रेगरेंस पसंद है, जिन लोगों को मस्की फ्रेगरेंस पसंद है वो ये ट्राई करें, जिन लोगों को रोज़ वाली फ्रेगरेंस पसंद है वो ये ट्राई करें, बहुत ही अच्छी लगती है। मेरी तो ये फेवरेट है, मैं इसे बार बार अप्लाई करता हूँ, ऑफेंड नहीं करती, मज़ा आती है दोस्तों, एक माहौल बना देती है, खुशबू जो है वो हवा में महकती है, ग्रीन ग्रीन लगता है, मज़ा आ जाता है। तो ये है दोस्तों आज का रिव्यू इस फ्रेगरेंस के ऊपर, उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा, हेल्प मिली होगी तो एक लाइक ज़रूर दे देना। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशबू लगाते रहिए और अपने भाई को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।